हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। तो चैनल को लास्ट तक देखेंगे ना, तभी तो पता चलेगा आपको कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या अंतर होता है। आप लास्ट तक देखेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाँ बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है उसका लिंक आपको सबसे पहले मिलेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, बोर्ड एग्ज़ाम पास में आना है, तो पढ़ेंगे कैसे? मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तभी अच्छे से पढ़ेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। सैम्पल पेपर भी आने वाला जल्दी, सॉल्व सैम्पल पेपर प्लस अनसॉल्व पेपर भी आपके मैं अपलोड करने वाला हूँ बिल्कुल जल्दी, तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में कौन कौन से अंतर होते हैं। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार अंतर समझने के लिए कॉलम बना लेते हैं। इस तरह से एग्जाम में भी कॉलम में लिखेंगे, आपका मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में पहला अंतर है कि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि एकाधिकार में औसत आगम और सीमांत आगम औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होता, दैट इज ER इज ग्रेटर देन MR। चलिए दोस्तों वो छोड़िए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार होता क्या है, अर्थ की बात करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार होता है जहां पर किसी एक समान वस्तु के बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता उपस्थित होते हैं, जबकि एकाधिकार का मतलब होता है किसी बाजार में वस्तु का केवल और केवल एक ही विक्रेता मौजूद होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बस दूसरा अंतर, वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, यानी कि यहाँ पर AR और MC दोनों के वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। AR इक्वल टू MC हो जाएगा, क्यों? क्योंकि AR और MR हमेशा क्या होते हैं, यहाँ पर बराबर होता है। वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, AR इज ग्रेटर देन MC, क्यों? क्योंकि एक अधिकार में एक ही विक्रेता है, वो चाहता अधिक से अधिक लाभ कमाना, रेवेन्यू जनरेट करना, इसलिए यहाँ पर रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है। तीसरा अंतर, उत्पादन स्तर अधिक और कीमत कम होती है। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु के उत्पादन पर बल दिया जाता है और वस्तु की कीमत अधिक होती है, जबकि एकाधिकार बाजार में क्योंकि एक ही विक्रेता होता है, वही सब कुछ है, तो वस्तु की कीमत ऊंची रखता है और उत्पादन का स्तर कम करता है। चौथा अंतर, वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों मांग एवं पूर्ति के द्वारा होती है। यहाँ पर वस्तु का निर्धारण कौन करता है? बाजार करता है। वस्तु कितनी सप्लाई हो रही है, उसकी डिमांड कितनी है, उस आधार पर। जबकि एकाधिकार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उत्पादक स्वयं करता है, क्योंकि वो खुद बाजार है, तो पूरे बाजार को वो खुद कंट्रोल करता है, तो कीमत को भी वो कंट्रोल करता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विविधीकरण संभव नहीं है, क्योंकि क्रेताओं को बाजार की पूर्ण ज्ञान होता है। ध्यान रखिए, आप कीमत विविधीकरण संभव क्यों नहीं है, क्योंकि संपूर्ण बाजार में एक ही वस्तु प्रचलित होती है और उस वस्तु की एक ही कीमत होती है। ऐसे में सभी क्रेताओं को बाजार में पूर्ण ज्ञान होता है कि वस्तु कितनी है और उसकी क्या कीमत है, जबकि एकाधिकार बाजार में कीमत विविधीकरण संभव होता है, क्यों? क्योंकि विक्रेता एक ही होता है, वो एक ही वस्तु को अलग अलग क्रेताओं को यानी कि उपभोक्ताओं को अलग अलग दाम पर बेच सकता है। नेक्स्ट, एक समान उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या बहुत अधिक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समान वस्तु उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि यहाँ पर एक ही फर्म होता है, एक ही उत्पादक होता है, एक ही विक्रेता होता है, और वैसी को हम पूरा बाजार कहते हैं। लास्ट अंतर है, फर्मों का उद्योग में प्रवेश एवं बहिर्गमन पूर्ण रूप से स्वतंत्र, कोई भी फर्म यहाँ पर एंटर कर सकता है, कोई भी फर्म जो है बाजार को छोड़ के जा सकता है, किसी तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं होता है, जबकि एक अधिकार बाजार में किसी भी नई फर्म का प्रवेश प्रतिबंधित होता है, वो प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर पूरे बाजार पे एक का अधिकार होता है, वो किसी दूसरे फर्म को इस बाजार में आने की अनुमति नहीं देता है। थैंक यू।